हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फिंगर्स यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बेस्ट कूलर की। ठीक है, ये एक डेजर्ट कूलर रहेगा। इस कूलर का नाम है बजाज DMS 95। तो गाइस, 95 इसलिए क्योंकि ये एक 95 लीटर का डेजर्ट कूलर है और इसके अंदर आप 95 लीटर पानी भर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और इस कूलर के बारे में बहुत सी खास बातें हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब गाइस, कूलर का नाम तो मैंने आपको बता दिया, और उससे बाद में अभी आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस रहेगी 10,500 से 11,000 के बीच में। ठीक है, तो अलग अलग शॉप पे आपको इसका अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगी, लेकिन 10,500 रुपये में अमेजोन में ये आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो गाइज, इस कूलर की अब सबसे पहले तो हमने कैपेसिटी के बारे में तो बात कर ही ली है ऑलरेडी, क्योंकि 95 लीटर की कैपेसिटी है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, बजाज की किसी भी कूलर से सबसे ज्यादा कैपेसिटी इस कूलर की रहने वाली है। और ये एक डेजर्ट कूलर है, तो आप समझ ही सकते हो कि डेजर्ट कूलर की जो कैपेसिटी रहती है वो बाकी कूलर के कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा रहती है, और सबसे ज्यादा कूलिंग भी यही देता है, और सबसे ज्यादा एरिया का कवरेज भी डेजर्ट कूलर ही देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके आइटम डायमेंशन की बात कर लेते हैं, जो कि रहेगा 63.5 x 53 x 112 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी हाइट रहेगी ये 112 सेंटीमीटर की रहने वाली है, जो कि एक टावर कूलर की रहती है। ठीक है, नॉर्मली जो टावर कूलर्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, जो बाकी कूलर्स रहते हैं उनकी हाइट थोड़ी सी, मतलब जो लेंथ और ब्रेथ की कंपेरेटिवली इतनी ज्यादा नहीं होती, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से इसका डबल इसकी हाइट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो टैंक है, टैंक वर्टिकली काफी बड़ा है। ठीक है, इससे हमें यह समझ में आता है, और ये काम करता है 200 वॉट पर। ठीक है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि यार अब इतना कैपेसिटी है इस कूलर की, तो थोड़ा सा जो कंजम्पशन रहेगा वो भी ज्यादा ही रहने वाला है। और इसका जो वेट है वो 16 किलो का रहने वाला है, 16 किलो से थोड़ा ज्यादा, मतलब 16.5 किलो के आसपास इसका वेट रहने वाला है। मटेरियल जो है कंप्लीट प्लास्टिक रहेगा, और आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको हनीकॉम पैड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज के डेट में काफी सारे कूलर जो है यही यूज करते हैं हनीकॉम पैड्स, क्योंकि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी रहती है वो थोड़ी सी और बेटर रहती है कंपेयर टू जो वुडन शेवर्ड पैड्स होते हैं, उससे थोड़ा सा और ज्यादा ऐसी कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो होल्स होते हैं उस होल्स के अंदर पानी ज्यादा देर तक रुकता है, और रुकने की वजह से जितना देर तक पानी उस होल्स में रहेगा, यानी कि मेंटेन रहेगा, उतनी देर तक इसकी जो कूलिंग है और ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी कंपेयर टू वुडन शेवर्ड, क्योंकि उसमें जो पानी है वो कंटिन्यूअसली बहता रहता है, उसके होल्स बड़े नहीं होते, तो ज्यादा टाइम तक पानी यहाँ पर रुकता नहीं है, वो बहता ही रहता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये कि जो हनीकॉम पैड्स है, इसको आप बाहर निकाल के इजिली साफ कर सकते हो। ठीक है, और इसी वजह से इसकी जो लाइफ रहती है वो कम से कम 6 से 7 साल तक इसकी रहती है, लेकिन ये कहते हैं कि एक वीक में एक बार साफ कर लेना चाहिए, जो कि हम पुराने वाले जो पैड्स होते थे वुडन शेवर्ड पैड्स, उसमें हम जो ये चीज नहीं करते थे, क्योंकि उसको साफ करना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने उसको एक बार बाहर निकाल दिया तो वो जड़ जाते हैं, और पूरी तरीके से धीरे 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 उसके अंदर जो कैपेसिटी रहती है वो खत्म हो जाती है, और फिर हमें वहां पर बाद में देखने को नहीं मिलती, वो जो पहले जैसी कूलिंग जो रहती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसी ये वजह से यहाँ पर हनीकॉम पैड्स जो है आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा हनीकॉम पैड्स बिक रहे हैं। लेकिन गाइज, मैं बताऊंगा, अगर आप इसको चेंज करने जाओगे तो आपको कम से कम 1,000-1,500 के आसपास पड़ने वाला है, 1,200 तक तो पड़ ही जाएगा। लेकिन जो पुराने पैड्स हैं वो आपको 100 से 150 रुपए में या फिर 200 रुपए में आपको इजीली मिल जाते हैं, तो मतलब अगर आप हर साल चेंज भी करोगे तब भी आपको वो ज्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी हनीकॉम पैड्स की है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका ज्यादा रहता है, क्योंकि 7 साल तक तो चल भी तो जाता है। ठीक है, आपको चेंज नहीं करना पड़ता, सिर्फ साफ करना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ये इसका एक फायदा रहता है। इसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ स्पीड्स है वो आपको 3 देखने को मिलेगा, लो, मीडियम और हाई, और आपको यहाँ पे 2 कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। एक रहता है आप स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का, और दूसरा रहेगा आपके जो एयर फ्लो के जो डायरेक्शन है उसको आप अप डाउन और लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपको मैन्युअली इसको करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको घुमा के छोड़ दो और अपने आप ये मूव करता रहेगा, और पूरे रूम में एक प्रॉपर तरीके से हर जगह पर बराबर एयर थ्रो कर सकता है। ठीक है, अब हम और ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की, तो एक कूलर जो होता है अगर उसकी कैपेसिटी रहती है 15 लीटर की, तो वो 150 स्क्वायर फीट का जो रूम रहता है उसको कूल कर सकता है, और अगर उसकी कैपेसिटी रहती है 25 लीटर की तो वो 300 स्क्वायर फीट के रूम को कर लेता है, और अगर 55 लीटर से ऊपर है
तो एक एक्स्ट्रा लार्ज रूम को और आपके रूफ को और आउटडोर्स को, बैकयार्ड को, हर जगह को ये कवर कर सकता है, क्योंकि एक डेजर्ट कूलर बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ आ रहा है, और सिर्फ एक रूम को ही नहीं, उससे भी ज्यादा एरिया को ये इजिली कवर कर सकता है। ठीक है, आप इसको रूफ में और हर जगह आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी जो एयर फ्लो रहती है वो 5,400 क्यूबिक मीटर की रहती है, अगर हम मीटर के बारे में, क्यूबिक के फॉर्म में बात करें तो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही, और इसका पीक रहता है, जो इसका पीक रहता है वो 5,400 रहता है, और एवरेज आपको 3,700 क्यूबिक मीटर तक का देखने को मिल जाता है पर आवर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक और फीचर जो देखने को मिलता है वो है एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे जो बैक्टीरियाज बनते हैं, जो नॉर्मली जो बैक्टीरियाज बनते हैं वो बनते हैं पानी में, और इसके अलावा होता है आपके पैड्स में, तो उस बैक्टीरिया को भी ये रिमूव करता है और आपको एकदम फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाता है। वो ये फीचर जो है इस कूलर में आपको देखने को मिलता है, जो कि थोड़े से हाई रेंज के कूलर में आपको देखने को मिलते हैं, और वही फीचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और 95 लीटर होने की वजह से इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, और साथ में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर एक आइस चैम्बर भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप आइस क्यूब्स रख सकते हो, जो कि पानी को एक्स्ट्रा ठंडा करेगा और जो कूलिंग है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात की, तो जो इसका एयर थ्रोइंग कैपेसिटी है वो 100 फीट तक है। ठीक है, सबसे ज्यादा, मतलब आज तक हमने जितने भी कूलर्स के बारे में यहाँ पर बात की है उन सभी से ज्यादा इसके थ्रोइंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर रहता है इस कूलर में, जो कि आपको काफी सारे कूलर में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर हम इसके थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो आपको यहाँ पे टर्बो फैन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, सुपर एयर डिलीवरी देखने को मिलेगी आपको, इसके अलावा हेक्साकूल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। हेक्साकूल टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वाटर कंजप्शन कम होता है और कूलिंग ज्यादा होती है। मतलब अब इस कूलर में तो यार वाटर कंजप्शन थोड़ा हो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95 लीटर पानी तो हम इसमें वैसे भर ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा यूज कर भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हेक्साकूल टेक्नोलॉजी है, जिसमें कम पानी के यूसेज में ज्यादा ठंडक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने यहाँ बात कर ली है। यहाँ पर आपको ब्लोअर देखना, आपको टर्बो फैन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, ब्लोअर टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है, जो कि अगर 7-7.5 हज़ार की कूलर्स में हमें देखने को मिलती है ब्लोअर टेक्नोलॉजी, उसकी जो पावर होती है वो थोड़ी सी और बेटर रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेजर्ट कूलर है, इस वजह से ब्लोअर से भी ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो कूलर्स है वो पर्सनल एयर कूलर्स है, जिसके अंदर ब्लोअर टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। ये ब्लोअर नहीं होते हुए भी इसकी पावर उससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो कूलर ही है वो डेजर्ट कूलर है। ठीक है, अगर डेजर्ट कूलर में ब्लोअर दे देते तो कमाल ही हो जाता, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ब्लोअर तो नहीं है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके वेट की, तो 16 किलो का तो ये बिना पानी भरे ही है, पानी भरने के बाद तो आप समझ सकते हो कितने किलो का ये होने वाला है। ठीक है, तो आपको इसको उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको व्हील्स देखने के, जो कि फोर वे डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, तो आप इसको इजिली मूव कर सकते हो, आपके रूम में कहीं भी मूव कर सकते हो। अगर आपको हनीकॉम पैड्स को साफ करना है तो आप उसको मूव करके अपने बाथरूम की तरफ ले जा सकते हो, वहां पर खोल सकते हो और अपने पैड को आप वहां पे साफ कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो इसका जो कलर है आप देख ही चुके हो, व्हाइट कलर का। सामने का जो फ्रेम रहेगा, जिसमें जो एयर थ्रोइंग का एरिया रहता है और जहाँ पर जो हमारे कंट्रोल्स रहते हैं, वो पूरा ब्लैक कलर में रहेगा, और आपका वाटर लेवल भी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, यह वाटर लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और सामने की तरफ आपको बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और आइस चैम्बर नॉर्मली ऊपर की साइड ही होता है सारे कूलर्स में, तो वहां पर आपको आइस चैम्बर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो इसकी जो प्राइस रहेगी वो 10,500 रुपए के आसपास रहेगी, तो मेरे हिसाब से जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है 10,500 में, ये बहुत ही अच्छा कूलर है और आप इसके लिए इजिली जा सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आपके रूम का जो एरिया है अगर 900 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से आपको यही कूलर लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल एयर कूलर फिर इतनी अच्छी कूलिंग नहीं दे पाएगा। हालांकि 55 लीटर का कोई कूलर लोगे तब भी 900 स्क्वायर फीट को तो कवर कर ही लेता है, ये 900 स्क्वायर फीट को बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा कर सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 900 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा, कम से कम 1200 स्क्वायर फीट या उस 1500 स्क्वायर फीट के रूम को भी ये ठंडा रख सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसको बैकयार्ड में, रूफ में, टेरेस में, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।